और एक म्यूजिकल जर्नी शुरू हुई 10-15 साल पहले. ही कम्स फ्रॉम अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ स्नेक चार्मर्स जिनको हिंदी में हम बोलते हैं सपेरा. वी आर गोइंग टू हैव अ लवली म्यूजिकल इवनिंग. कानून आया जिसके तहत सांपों का खेल दिखाना बंद हो गया, लेकिन उसके बाद वो जो नए कानून में तब्दीली आई उससे डिस्करेज नहीं हुए. शिशानाथ जी एक नई दिशा दी अपने पुश्तैनी काम को और एक बैंड, एक खूबसूरत नया बैंड जिसकी आवाज अभी आपने सुनी, उन्होंने बनाया. जंगल में ये पीर की तोमड़ी लगती थी और जंगल से बांस लेकर ये रागनी जो है बनाई जाती थी. फिर उसके बाद में हमने ये गंधार जो है इसके रागनी के साथ में गंधार मिलाया दिया, जैसे बाजे के साथ गंधार होता है. पाँच साल के थे हम तभी से हमने जो है जंगल में से हमें जो है हमारे पूर्वजों ने छोटी सी बीन ले ली, तो हमें ये छोटी सी बीन लेकर जैसे जंगल में जो गड्ढा बकरी जो है चुवाया करते थे, जंगल में पशुपालन करते थे, उसी में छोटी सी बीन ले के हम घूमते थे बजाते थे. तभी से हमने जो ये पढ़ना लिखना तो हमारे नसीब में था न खा रहे, लेकिन बीन की जो कला था हमें देश विदेश काफ़ी दूर तक ले गई. अभी आपने जो बजाया हमारे लिए वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा बताइए. जो अभी आपने बजाया हमारे लिए वो क्या था? पहले शुरू में हमने जो है सदाबहार लहरा बजाया, जो हमारे 100 साल पहले पूर्वज बजाते थे, तो वो सदाबहार लहरा हमने बजाया है.
सदाबहार लहरा अभी आप लोग ने सुना। Amazing. That was a wonderful performance, Shishanath ji. मैं आपको बताना चाहूँगा कि शीशानाथ जी एक ऐसे पुराने पुश्तैनी काम से आते हैं जिनको जिनका काम हम सपेरा के नाम से जानते हैं और पुश दर पुश ये काम चला आता है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती है, तीसरी पीढ़ी को सिखाती है और इसी तरह से ये काम बढ़ता है। एक सपेरा बैंड जो एक पुश्तैनी काम है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है बीन बजाने का, उसको एक नई दिशा दी शीशानाथ जी ने। कहाँ से आया आपके पास ये आइडिया कि एक सपेरा बैंड बनाने का? मैंने सोचा कि हमारी बीन की कला को आगे बढ़ा दिया जाए, तो हमने 25 आदमी का हमने बीन ग्रुप बनाया और 25 आदमी को हमने बीन के लहरे जो पुराने बीन के लहरे वो सिखाए, फिर उसके बाद में हमने 35 आदमी का ग्रुप बनाया, 35 आदमी का ग्रुप बनाया कि 60 आदमी का ग्रुप बनाया हमने बीन सब तुम्बे का। और वहाँ पर जो हमें राजीव चौक में हैबिटेट सेंटर में शीला दस्तक मिली, हमने कहा भाई हमारे ये आपके जो है चिड़ियाघर में सांप जानवर बंद पड़े हैं तो हमारे सपेरापुर के क्यों बैन लगाया दिया गया है? तो उन्होंने बोला देखो बैन तो लग गया है भाई, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आपके बीन का बड़ा ये कला को आगे बढ़ाएंगे। तब हमें जो है 100 आदमी का जो है राजीव चौक में 3 दिन का प्रोग्राम शीला डिस्ट्रिक्ट ने दिया था, उनका धन्यवाद करते हैं, वो भगवान को प्यारी होगी उनको, उसका नाम हम कभी नहीं भूलेंगे। मुझे याद है ये बैंड 2007 में पहली बार मैंने सुना था, 100 सपेरों का बैंड था। आप इमेजिन कर सकते हैं अभी 3 है हमारे साथ बीन वाले, 100 बीन जब एक साथ बजते हैं तो उसका क्या समा होता होगा, क्या खूब आवाज़ होती होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। वो बैंड मैंने सुना था 2007 में जिसकी शीशानाथ जी बात कर रहे हैं और उस समय उसको सुन के जो मुझे मज़ा आया था, जो इम्प्रेशन मेरे दिमाग में बैठा कि इनको ज़रूर मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तभी से वहाँ से हमें जो है 100 आदमी का नेपोली गए थे, हमारा 100 आदमी नेपोली में इटली में उसके बाद परफॉर्म किया और इटली के बाद इनको दूसरे देशों से भी ऑफर्स आने लगे, स्कॉटलैंड में परफॉर्म किया, दुबई में परफॉर्म किया, वियतनाम में परफॉर्म किया, अपने पूरे सपेरा जो एक यूनिक, एक बिल्कुल यूनिक, दुनिया में और कहीं नहीं होता है ऐसा, एक यूनिक बैंड को लेकर एक अपने पुश्तैनी काम को नई दिशा देकर शीशानाथ जी ने एक हमें म्यूजिक को देखने का एक नया आयाम पेश किया है। एक thank you.
स्कॉटलैंड के बैगपाइप्स में बजाई जाती है, आउल लैंग साइन, आप गूगल करके इसको देख सकते हैं। एक बहुत ही नायाब धुन है जो स्कॉटलैंड के पर्वतीय इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे जब बैगपाइप्स बजते हैं सुबह सुबह एक ग्रुप में, एक बैंड में, तो बहुत सुंदर लगता है वो, बिल्कुल समा बहुत अमेजिंग समा बन जाता है। तो बेस्ट थिंग अबाउट दिस आर्टिस्टिक कोलैबोरेशन इज कि जब हमारे पारंपरिक फोक म्यूजिशियंस बाहर जाते हैं या बाहर के पारंपरिक फोक म्यूजिशियंस यहाँ आते, तो एक दूसरे से बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। शायद शीशानाथ जी के बैंड ने उनको हमारी धुनें भी सिखाई हो और वहाँ से ये उनकी पारंपरिक धुन सीख के आए हैं जो स्कॉटलैंड की है और जिसको वहाँ का नेशनल सॉन्ग भी माना जाता है, आउट लाइन साइन। आइए सुनते हैं। सपेरा समाज से आते हैं और सांप से बहुत पुश्तों से इनका नाता रहा है, तो मुझे लगता है, शीशानाथ जी को भी लगता है कि एक इवनिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती अगर वो नागिन फिल्म का गाना ना बजे। तो अब हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही जो टिपिकल सॉन्ग है नागिन फिल्म का, दो धुन बजाएंगे आपके लिए, एक डबल वैमी है, डबल बोनस है, आइए सुनते हैं। परदेशियों से ना अखियां मिलाना, आपकी फरमाइश, क्या बढ़िया गाना और क्या बढ़िया फरमाइश, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। शीशानाथ जी, मुझे ये पूछना था कि जब आपके आपके पूर्वजों ने बीन बजाना शुरू किया था और अब तक जब आप बीन बजा रहे हैं, तो बीन में क्या क्या आपने बदलाव किए हैं? ये जो है, हमारे पूर्वज जो है बजाते थे तो उसमें ये पीतल का नहीं था, तो ये नई चीज़ हमने बनाया। और फिर जो है नई चीज़, पहले हमारे बीन के लहरे बजाते थे, हमारे सपेरा समाज में पूर्वज थे, कभी कभी तो ऐसा होता था सर कि सपेरा बीन बजाता था, मैं पूर्वज, तो ऐसी ऐसी बीन बजाते थे जैसे सांप ही निकल आता था, तो वो ऐसी धुनें बजाते थे जैसे मेघ मलार गाने से बरसात हो जाती है, दीपक राग गाने से दीपक ले जाते हैं, तो ऐसी प्रकार जो है वो भी धुन बजाते थे। तो वो हमारे आज के सपेरा समाज में वो चीज़ें नहीं हैं। सांप काट लेता था तो मंत्रों द्वारा उसका सांप का जहर भी उतार देते थे, तो वो बात हमारे सपेरा हमारे ये नई पीढ़ी में नहीं है। सांप का मेडिसन है, जंगल का मेडिसन है, सांप काट लेता है तो अपनी जान बचा लेते हैं, ये तो है।